हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास यहाँ पर इन्फिनिक्स कंपनी का मोबाइल है और आपके मोबाइल पर यहाँ पर कॉल नहीं लग पाता है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इसको जो है ठीक करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल को एक बार रीसेट कर लीजिए, क्योंकि रीसेट करने के बाद ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाती है। बट यहाँ पर अगर आप लोग रीसेट कर रहे हैं और फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में एयरप्लेन मोड को ऑन कर लेना है। एयरप्लेन मोड को ऑन करने के बाद आपको उसको दोबारा से बंद करना है। अब इससे क्या होगा कि दोस्तों, आपके मोबाइल में थोड़ा बहुत जो है नेटवर्क आ जाएगा। अगर इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे तो नेटवर्क आने के बाद जो है आप लोग यहाँ पर कॉल लगा पाएंगे। तो आपको जो है अपने मोबाइल में एयरप्लेन मोड को ऑन करना है और उसको दोबारा से बंद करके देख लेना है। और उसके बाद जो है मैं आपको और भी तरीके बता देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को। आप लोग यहाँ पर रीसेट करके देख सकते हैं, अपने मोबाइल को रीसेट करके देखना है, या तो फिर अपने मोबाइल को एक बार बंद करके चालू करके देख लीजिए। और या तो फिर दोस्तों, आप लोग यहाँ पर सिंपली से अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है और आप लोगों ने बहुत दिनों से सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया है, तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली सॉफ्टवेयर को जो है अपडेट कर लीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और गाइस, कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ पर जिसको कॉल कर रहे होते हैं, अगर उसने जो है आपका जो नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया है, तो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि आप यहाँ पर उसको कॉल नहीं कर पाते हैं। ओके, और जो है ऐसा तरीके जो है मतलब आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ऐसे में जो है आपको कॉल नहीं लगता, और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है वो नेटवर्क इशू के कारण आती है। तो आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में नेटवर्क को भी चेक कर लीजिएगा। और हाँ, आपको एक काम और कर लेना है कि दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में सिम कार्ड को बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के बाद आप लोग दोबारा से री एंटर करिए अपने मोबाइल में, सिम कार्ड को दोबारा से लगा कर देख लीजिए। तो ऐसा करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर गाइस, कभी कभी क्या होता है कि सिम कार्ड हो सकता है आपके मोबाइल में ठीक से ना लगा हो, तो इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, तो फिर उसके बाद 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।